श्री अकाल दोस्तों, मैं इंदर ढिल्लों ते सुप्रीम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करता हाँ। पंजाब गुरुआं पीरां फकीरां ते पैगंबरां की धरती है। जिथे जिथे साडे गुरु साहिबानां ने चरण पाए हैं वह धरती गद गद कर उठी है। पंजाब ते हमेशा ही गुरुआं दे करके आशीर्वाद बनिया रहा है। अज असी तुहानूं एक इतिहासिक स्थान के दर्शन करवावांगे। तो दोस्तों, असी आए हाँ पिंड रामपुर जिला लुधियाना विच, जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने चरण पाए सन। यह है गुरुद्वारा रेरू साहिब। आओ तुहानूं भी दर्शन करवाउने आ ते खुद भी कर दे। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन आप कर चुके हाँ, तो हुण तुहानू जाणू करवाने इत्थों दे इतिहास बारे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी, तुसी हुण इत्थों दे इतिहास बारे सानू जाणू कराओ। धन धन दसम पातशाह साहिब कमाल पंथ दे वाली अमृत के दाते सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इस पावन मुकद्दस अस्थान के उपर उस वक्त चरण पाए जदों सतगुरु जी चमकौर साहब की जंग तो उपरंत माछीवाड़े के जंगलों तो हुंदे हुए वखो वख अस्थाना कुब्बा कटाणा साहब हुंदे हुए इस पावन पवित्र अस्थान गुरद्वारा श्री रेरू साहब पातशाह दसवीं पिंड रामपुर विखे 12 पोह सन 1704 26 दसंबर नूं इस पावन पवित्र अस्थान विखे विराजमान हुंदे हन। ते इत्थे जो रेरू दा दरख्त सी जिस हेठां सतगुरु जी विराजमान होए हन, ते पिंड दी संगत ने सतगुरां जी नूं दुध छकाया जो कि पिंड दा बाल भाई भारा मल ते उन्हां दे माता जी सतगुरां जी दे पास दर्शनां वास्ते आए ते सतगुरां जी नूं दुध छकाया।
तो सतगुरु जी उस बालक नूं पुछण लगे कि भाई तेरा नाम की है। तो वह बालक भारा मल जो कहन लगा कि मैनू लोग भारा भारा कह के बुलाउंदे हन, पर मैं बहुत गरीब निमाणा निताणा हाँ। तो सतगुरु जी कहन लगे कि बालक तू एक दिन ऐसा बहुत ही भारी पुरख बनेगा, तेरी जो कुल है 25 पिंडां दे विच फैलेगी ते उच्चे उच्चे अहुदियां ते तेरी कुल दे विचों विराजमान होणगे। ते हुण कहिंदे हन कि 25 पिंडां दे विच उह मांगड़ गोत दे नाल संबंधित जो भाई भारा मल जी दे परिवार दे विचों देशां विदेशां दे विच जा के विराजमान होए हन। ते सतगुरां जी ने उहनां नूं बहुत ही बख्शिशां करके उहनां ते ऐसा पार उपकार किया कि काफ़ी संगतां जो सतगुरां जी दे दर्शनां नूं आईयां, सतगुरां जी ने उहनां नूं अपने बचन बिलास दे द्वारा पावन गुरबाणी दे नाल जोड़ के उस परमात्मा वाहिगुरू जी दे नाम दे नाल जोड़ना कीता। ते सतगुरु जी ने बचन कीता कि आउण वाले समें दे विच ऐसे महापुरख होणगे जो कि इस पावन पवित्र अस्थान नूं संभालणगे, सेवा संभाल करनगे। सतगुरां जी दे बचनां दे अनुसार ही फिर तत बेते बंदगी सादगी दी मूरत धन धन संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वालिया ने इत्थे अपने चरण पाए 1901 विच जो पहली बार इत्थे आए, क्योंकि वह आर्मी दे विच जो नौकरी करते सन जो भी छुट्टी आउंदे ते इस अस्थान ते आ के सेवा करते। तो 1907 दे विच वह पक्के तौर पर पेंशन आ गए, हौलदारी पेंशन आ के फिर इस अस्थान दे ही बन के रह गए। तो संगतां नूं नाम बाणी दे नाल जोड़ना, हर वक्त कथा कीर्तन का प्रवाह चलाना अते दिने अपने हत्थी कार करनी जो खेतां विच हल वाउणा ते आए गए दी टहल सेवा करनी, लंगरां विच सेवा करनी, झाड़ू पोचे दी सेवा करनी, जो भी उहनां नूं सेवा मिलनी तन मन धन दे नाल उहनां ने इस अस्थान ते फिर सेवावां निभाईआं। ते इस पावन पवित्र अस्थान के नाल ही दो अस्थान होर हैं, गुरद्वारा तप अस्थान पक्का भोरा साहब और गुरद्वारा तप अस्थान बाबे गोखे की छप्पड़ी। सो बाबा जी, तुसीं हुण मैनूं ये दसो कि इत्थे किहड़े किहड़े दिहाड़े मनाए जाते हैं ते कदों मनाए जाते हैं? इस पावन पवित्र अस्थान से जो पहली पातशाही धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पुरब दिहाड़ा, दसम पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पुरब दिहाड़ा, धन धन संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वालियां दी बरसी, धन धन संत बाबा भगवान सिंह जी दी रेरू साहब वालियां दी सालाना बरसी, ते दोनों ही महापुरखों के जन्म दिहाड़े मनाए जाते हैं। संत बाबा अतर सिंह जी का जो जन्म दिहाड़ा जो ऐतकी पहली बार मनाया है संगतां वालों जो अज आप जी ने दर्शन किए हैं 6-7-8 मार्च नूं जो मनाया, जो कि हर साल ही मनाया जाया करेगा। अते इस तरह ही संत बाबा भगवान सिंह जी का जो जन्म दिहाड़ा है 11-12-13 अक्तूबर नूं हर साल संगतां बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाउंदियां हन ते सतगुरां जी दे दर्शन करके खुशियां प्राप्त करदियां हन। सो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा इस गुरु घर बारे सानूं जाणू करवाउण दे लई, इतिहास बारे दसण लई ते साडे नाल गल्लबात करन दे लई। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।